गाड़ियां पार्क होती जैसे वो खड़ी हुई है, ये देखिए बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग जिंदगी। आज है ईद का दिन और हमेशा की तरह मैं अपने दोस्तों से पूछते हैं लग गया भाई ईद की नमाज़ कितने बजे होती है। तो ईद की नमाज़ ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ विलेज में ईदगाह होता है, ठीक है, वहाँ पर ये नमाज अदा की जाती है। तो वहाँ चल कर हम आपको दिखाते हैं कि ईदगाह कैसी होती है। हेलो, तो नाजरीन ये हमारी है ईदगाह, ईद की नमाज़ें यहीं पर पढ़ी जाती हैं, इसको ईदगाह कहते हैं। यहाँ पर देखें इनके इस्तकबाल के लिए, जो आवाम के इस्तकबाल के लिए यूँ चूना लगाया जाता है। ये गाड़ियों का पार्किंग एरिया होता है, ये वाला, ये सारा गाड़ियों का पार्किंग एरिया होता है। यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती, जैसे वो खड़ी हुई है, फिर उस तरफ बाइक्स खड़ी हुई है, तो वो आगे सामने यहाँ पर चप्पल रखे जाते हैं। तो अंदर काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, सिर्फ ईद की जो सालाना दो ईदें आती हैं वो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं यहाँ पर। तो देखें अभी तो लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें बहुत बड़ी ईदगाह है, इसको ईदगाह कहते हैं सिंधी में। चप्पलें बेसिकली उतारने की जगह तो ये है, लेकिन इन लोग हाथों में पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि नई चप्पल होती है भाई, कोई लेकर चला ना जाए। ठीक, दिन गुजारेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। भाईजान ये सारे जो ना मेरे मोहल्ले वाले, सारे मोहल्ले वाले रिश्तेदार हैं, सबसे ईद मिलेंगे भारी भाई। तुम्हारे भाईजान क्या हाल है? गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ईद का दिन है, सब यहाँ पर यह मुबारक, मेरी खैर मुबारक। यह ईदगाह है, ईदगाह हमारा सिंधी में ईदगाह होती है, बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और यहाँ पर सब जो है मुख्तलिफ विलेजेस के लोग आते हैं ईदगाह पर, नमाज ईदीन अदा करते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं और घरों के बाद जाते हैं कब्रिस्तान पर। कब्रिस्तान जो लवायतीन है फोत हो चुके हैं, यानी कि उनकी दुआ के लिए वहाँ जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद मिलना मिलाप होता रहता है, फिर कहीं घूमने का टूर होता, प्रोग्राम होता, तो वो लोग इस तरह आगे चलकर आप लोगों को बताते कि और क्या कुछ एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी है। तो आज का मौसम बड़ा प्यारा हो गया यार, इतना प्यारा मौसम, हमेशा ईद वाले दिन पर मौसम इतना प्यारा हो जाता है, वाह। मुबारक मुबारक।
साईं मकसूद के साथ मिलते हुए अस्सलाम वालेकुम दोबारा। राहत भाई ये इसको जानते हो ना, आपका फेवरेट यार ये। तो क्या मैसेज दोगे? मेरे तरफ से तमाम उलमाए आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। जायद को, जायद को, तमाम हमारे जो जितने हजरात मुसलमान हैं जितने भी, अरे जायद के जो आपको मेरे तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो जायद भाई। अरे तो दोस्तों ईद की नमाज हमने पढ़ ली है और यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मुलाकात भी कर ली है, गले भी मिल रहे, गला मशल्ला हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम लोग जा रहे सीधा घर की तरफ और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कुछ और दोस्त रह गए हैं उनसे भी मिलेंगे और थोड़ा मीठा खा लेंगे। तो ईद की सौगात जो है ना मीठे में होती है, सेवैयाँ होते हैं, खीर मिक्स, रस मलाई वगैरह, तो वो हम लोग जो है ना खाएँगे। उसके बाद क्या देखते क्या बनाए क्या नहीं बनाए, ऐसे ही चलेगी। फिर कहीं जाने का प्रोग्राम हुआ तो फिर वो हम लोग जाएंगे, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यार मैंने समझा यहाँ चिप्स वाला लगा के गायब हो गया, मैंने सोचा चिप्स निकाल के खा ही लेता। तो यार यहाँ बंदा बंदा ना बंदे की जात क्या ईद है, हमारे गोड में यही होता, गोड मीन विलेज। तो गाइस छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, यहाँ पर इतना कोई ख़ास नहीं है दिखाने को। तो जितना वीडियो आपने देखा हमारे इलाके में किस तरह ईद मनाई जाती है, तो इसी तरह की ईद होती है। अगर कहीं जाना हुआ तो ज़रूर आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पहले के वीडियो आपने नहीं देखे वो ज़रूर देख लें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।